इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली। उनके चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घ कृपामते स्वाहा। पर्वादी राज पर्युषम पर्व के बाद पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन जो लोग दशलक्षण जी के व्रत करते हैं, अठाई करते हैं, आखिरी के पांच दिन व्रत करते हैं, बेला तेल आदि करते हैं, उन सब का यहां पर पारणा महोत्सव होता है। ये पारणा महोत्सव नहीं, ये धारणा महोत्सव है। पारणा तो एक बार आप कर रहे हैं, लेकिन जो आपने जीवन में नियम लिया था, संकल्प किया था और अन्य अन्य वस्तुएं आपने करी थी, उनका यहाँ पर धारणा महोत्सव हो रहा है कि धारण किया था आपने। जिंदगी में कई तरह के लोग होते हैं। एक लोग साधारण होते हैं, एक लोग देखिए साधारण लिखिए, साधारण में से जब सा को हटा देते तो क्या बचता है, धारण बचता है, और धारण में से धा को हटा देते तो क्या बचता है, रण बचता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कुछ लोग साधारण होते हैं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वह साधारण होते हैं।
और जब साधारण का सा निकाल देते हैं तो धारणा बन जाती है। वे मुनि महाराज त्यागी वृत्ति होते हैं जो उपासना के बाद साधना के माध्यम से धारण करते हैं कि मुझे मुक्ति पथ पर चलना है। और कुछ लोग ना तो साधारण होते हैं ना धारण होते हैं, वह तो रण करने वाले होते हैं। रण समझते हैं आप लोग, युद्ध करने वाले होते हैं। ना तो उनको साधारण रहना है ना उनको धारण करना है, लेकिन वह जब साधारण में सा निकल गया था निकल गया तो रण बचता है, अर्थात युद्ध करने वाले होते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अरे भाई आपको बता दो कि 8 घंटे बिना पानी के रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, और 10-10 दिन तक इन सभी व्रतियों ने जो व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, साधु संतों ने किए हैं, निश्चित रूप से इनके कितने पुण्य की अनुमोदन। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अनुमोदना तो करें, ये जीवन का पुण्य है। आज मुझे प्रसन्नता होती है, आज इनके व्रत करने से मुझे क्या मिलेगा, मैं व्रत करूंगा तो मेरे कर्मों का क्षय होगा, मेरे कर्मों की निद्रा होगी। लेकिन जब मैं सुनता हूं कि इतने सारे भक्तों ने 10 लक्षणी व्रत किए, हमारे गुरुदेवों ने किए, साधुओं ने किए, तो मन में प्रसन्नता होती है कि कम से कम हमारे जैन धर्म का नाम, दिगंबर धर्म का नाम आगे जा रहा है। ऐसे व्रती संप्रदाय में विचारनीय बात है। हर घर में भोजन करने वाले लोग हैं, हर घर में झगड़े करने वाले लोग हैं, हर घर में एक दूसरे को उल्टा सीधा बुरा भला कहने वाले लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिनके घर में व्रती लोग हैं उनके जीवन का पुण्य भाग्य सौभाग्य नहीं अहोभाग्य है कि हर घर में यह व्यवस्था नहीं है। आज यदि होता तो यहां पंडाल सारा व्रतियों से भरा होता। व्रत करना कोई आसान नहीं है, क्रिया करना कोई आसान नहीं है। आप व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप क्रिया नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो करने वाला है उसकी अनुमोदना तो आप कर सकते हैं, और अनुमोदना करके ही आप अपने जीवन का पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जैन धर्म में कहते हैं करिए कराइए या करने वाले की अनुमोदना कीजिए। आज यहां पर पारणा महोत्सव होगा, जिन्होंने 10 लक्षण व्रत की धारणा करी थी उनका पारणा होगा। आप सभी लोग पारणा महोत्सव को देखें, पारणा महोत्सव को समझें और एक बार भाव बनाए कि हे प्रभु जीवन में कभी ना कभी ऐसा अवसर आए कि हम भी कभी ना कभी दक्षिण जी के व्रत अपने जीवन में कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जीवन में बहुत सारे लोग हैं, जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रही हैं। और जो व्रत उपवास करने वाले हैं उनको चैनल के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आपने व्रत उपवास किया, आपने भोजन का त्याग किया, लेकिन आपको भी चाहिए कि कम से कम अपने अंदर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ चल रहा है उसका भी आप त्याग करने का प्रयास करें। मात्र भोजन का त्याग करने से कल्याण नहीं होगा, भोजन के साथ भजन करोगे और भजन के साथ आप अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए जो आपके अंदर राग द्वेष लगा हुआ है, अरे क्या है, ठीक है कोई बात हुई है, नहीं हो पाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। अरे आप एक बात समझिए, मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप मंदिर जी में आते हो, आपको स्थान नहीं मिल रहा है, आप चुपचाप खड़े रहिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप मंदिर जी में भगवान के दर्शन करने, गुरु की वाणी सुनने, शास्त्र का स्वाध्याय करने आए हो, तो यह अपने कर्मों की निर्जरा करने आए हो, ना कि आप कर्मों को बढ़ाने के लिए आए हो। विचार के लिए आप समझिए बात को कि यदि मान लीजिए हम यही वृत्ति रख रहे हैं तो आप कितने व्रत भी कर लो, त्यागी बन जाओ, साधु बन जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर राग द्वेष की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी तो कल्याण नहीं हो सकता। कौन किसका है, कौन किसके साथ जाएगा। जब इस पादे में हम पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि जिंदगी में इंसान का जन्म जब होता है तो 2.5 किलो का होता है, और जब इंसान का मरण हो जाता है, शरीर राख हो जाती है, तो भी 2.5 किलो रहता है। इस 2.5 किलो के चक्कर में ना जाने कितने 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 पाप, कितने कितने अपराध, कितने सारे मनमुटाव कर रहे हैं। जिंदगी में सुखी होना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक काम करना चाहिए। यदि जिंदगी में सुखी होना है तो महिलाओं को जिद करना छोड़ देना चाहिए और पुरुष को क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष क्रोध करना छोड़ दें तो समझ के चलना कि जिंदगी में घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। आप अपने विचार को बनाइए, आप अपनी व्यवस्था को बनाइए। आपके पति को आपने बाजार में टमाटर लेने भेजा है और बाई चांस झोले में वो एक गाजर लेकर आ गया है तो आप नाराज मत होइए,
आप सोचिए कि टमाटर हो सकता मिला ना हो, सड़ा हो, लेकिन बेचारा घर से जैसे ही घुसता है तुम बस मैं बोलती कुछ हूं और करते कुछ हूं, मैं बोलती कुछ हूं और तुम करते कुछ, तो झगड़े की रामायण यहीं प्रारंभ हो जाती है। और पतियों को भी चाहिए कि घर में तुम्हारी धर्मपत्नी घरवाली है, नौकरानी नहीं। कि उसने यदि आपने कह दिया चाय लेकर आओ और 10 मिनट चाय बनाने में लग गए, यदि ज्यादा कूदता तो खुद चाय बना ले और साथ में उसको भी पिला दे तो जीवन का सौहार्द बढ़ जाएगा। अरे मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मीटिंग जाना है, क्या है इतनी तुम यदि होटल रेस्टोरेंट में गड़बड़ करोगे वो बाहर कर देगा जहां पैसे दे रहे हो। दोनों को चाहिए कि अपने अपने क्रोध पर, अपनी अपनी जीत पर संतुलन रखें, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। आपकी पालना महोत्सव, आपकी धारणा महोत्सव, आपकी क्रियाएं संपन्न हो सके। लेकिन वर्तमान में पहले का जमाना आपको पता है आज इंसान क्या कर रहा है। पहले इंसान भागा दौड़ी करता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। आज के समय में इंसान पहले भागा दौड़ी करता है। हाथ जोड़िए, बोलिए आज के समय में इंसान, बोलिए आज के समय में इंसान पहले भागा दौड़ी करता है फिर माथा पोड़ी करता है। पहले भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिर माथा, क्या हो गया करता है। आज के समय में इंसान पहले भागा दौड़ी करता है फिर माथा पोड़ी करता है और अंत में पहले भागा दौड़ी करता है, माथा पोड़ी करता है और अंत में हाथा जोड़ी करता है। माफ कर देना मुझे, होता क्या नहीं। पहले भागा दौड़ी करता है फिर माथा पोड़ी करता है और अंत में हाथा जोड़ी करता है। हे भगवान मुझे बचा। क्या संसार का चक्र, संसार की व्यवस्थाएं, संसार की क्रियाएं। यहां पर मैं देख रहा हूं प्रातःकाल 6 बजे से लोगों का, मेरे आने वालों का तांता लगा हुआ है कि महाराज जी के आशीर्वाद से व्रत संपन्न हो जाए। लोग टेक्निकल के माध्यम से, जूम आदि के माध्यम से आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रही हैं और मुझे प्रसन्नता है कि भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से इन सभी जीवों का कल्याण पथ पर आगे बढ़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ा। कैसी विषम परिस्थिति, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी बरसात है, इन सब के बीच में भी उन्होंने अपने 10 लक्षण जी के, रत्न त्रय के, पंचमी रुकी अष्टाइयों के, और मैं तो कहता हूं जिन्होंने 14 का एक व्रत भी किया है उन सभी की बहुत बहुत अनुमोदन पुण्य की है कि उन्होंने कम से कम अपने जीवन व्रत को तो अंगीकार किया, धारण तो किया। आज जैन समुदाय में एक यहां पर हमारा जैन धर्म ही ऐसा धर्म है कि जहां पर भोजन करने के पहले भजन किया जाता है, भोजन चावल खाने के पहले मंदिर में भगवान के समक्ष चावल अर्पित किए जाते हैं, फल खाने के पहले भगवान के चरणों में फल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद इंसान भोजन करता है। अन्य संप्रदाय में कुछ भी हो कि नहीं मालूम, लेकिन पहले यहां पर पहले प्रभु पूजा और बाद में पेट पूजा, प्रभु पूजा और बाद में पेट पूजा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, मंदिर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, घर में जो मंदिर है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास। हमारा जीवन जीवन है, उसे जीवन जीने का ढंग से प्रयास करें। आज वर्तमान में कोई प्लस में दुखी है, कोई माइनस में दुखी है, लेकिन इंसान जो समझदार होता है वह प्लस को माइनस को उल्टा सीधा करके गुणा कर लेता है। जो 3 और 3 जोड़ेगा तो 6 होंगे, 3 में 3 चले जाएंगे तो 0 बचेगा। लेकिन समझदार इंसान वह होता है जो 3 को 3 से गुणा कर देता है और 9 की प्राप्ति करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करता है। तो आप सभी लोग भी 3 और 3 9 करने का प्रयास करें। 3 और 3 तो 6 ही होंगे, 3 में 3 निकाल दोगे तो 0 बचेगा, लेकिन माइनस प्लस को छोड़ो और गुणा पर आओ तो जीवन का कल्याण करो। आपका जीवन भी अहर्निश कल्याण की ओर बढ़े, आपका जीवन भी सारे की सारी क्रियाओं की ओर बढ़े। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपकी अन्य सारी क्रियाएं भी हैं, अन्य सारी व्यवस्थाएं भी हैं और अन्य सारी कार्य भी हैं। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि जीवन में व्रति की प्रशंसा देवलोक भी करते हैं, जीवन में संयम की प्रशंसा देव लोग भी करते हैं। आप पढ़ते ना, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि नरकाया को सुरपति तरसते हैं, ऐसी नरकाया को बस हम लोग पाने के बाद क्या कर रहे हैं, पाने के बाद हम क्या कर नहीं कर रहे हैं, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी परिश्रम पर्व आ रहा है, मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। मैंने पूछा आप जैन हो, बोले हाँ। तो मैंने क्या क्या बड़ी चीज कर रहे हो, नहीं बोले मेरे घर में तो कोई त्यागी नहीं करता है। मैंने कोई बात नहीं,
फिर आके पूछता है कि महाराज जी मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा तो आलू रात को खा सकता हूं, रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूं तो आलू रात को खा सकता हूं। मैंने कहा किसने कहा? बोले किसी ने कहा था कि रात्रि भोजन त्याग है तो फल फूल सब्जी खा सकते। मैंने कहा उससे पूछ के आना कि आलू कहा था कि क्या? बोले नहीं उसने कहा तो केला था लेकिन मुझे केला अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं आलू खाऊंगा। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं और साबूदाना खा रहे हैं। अरे भैया साबूदाना तो दिन में भी नहीं खाना चाहिए, रात की बात तो छोड़ दीजिए, शकरकंदी को खा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? त्याग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति आया बोले मेरा कल से अनाज का त्याग है। बोले ठीक है जी। अगले दिन उसकी पत्नी आई बोले महाराज जी आपने को अनाज का त्याग क्यों दिया? मैंने कहा वो अपने कर्म को काटना चाह रहा है, कर्मों की निंदा करना चाह रहा है। अरे बोले आपको मालूम है इन्होंने अनाज का त्याग किया तो क्या क्या खाया? मैंने पूछा क्या क्या खाया? बोले महाराज जी एक दर्जन केले, एक दर्जन केले 500 ग्राम दूध, एक दर्जन केले 500 ग्राम दूध, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम किशमिश और 200 ग्राम मुनक्के ही तो खाए और क्या किया है? मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं क्या बोलूं इस अनाज के त्यागी के लिए। और बोले महाराज जी उसके बाद में 6 सेव फल खा लिए थे और कुछ भी नहीं खाया। अब बताइए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? तो अपने जीवन का कल्याण करना है तो त्याग वृत्ति अपना रहे हैं, अन्न का त्याग करें, फल खाएं लेकिन फल को फल के हिसाब से खाएं, ड्राई फ्रूट को ड्राई फ्रूट के हिसाब से खाएं, पनीर को पनीर को पनीर के हिसाब से त्याग है, पनीर को पनीर के हिसाब से खाएं तो लो ठीक है। रोटी खाता है 4, मुनक्के खा रहा है 100 ग्राम, इससे अच्छा रोटी खा लेता भाई मेरे, क्या कर रहा है? त्याग अपनी शक्ति अनुसार करें, जीवन का कल्याण करें, यही मोक्ष का रास्ता है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली,